उत्तराखंड में मंगलवार को छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। देश विदेश के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ आपदा की चुनौतियों से निपटने को मंथन के लिए जुटे हैं। पहले दिन कई सत्रों में विशेषज्ञों ने चर्चा की। देवभूमि उत्तराखंड को अक्सर आपदाओं का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ त्रासदी हो या सलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान, हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना पहाड़ों ने डटकर किया, जो दुनिया भर के लिए प्रेरणा स्रोत है। देहरादून के ग्राफिक एरा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिवसीय छठी विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन यानी WCDM का मंगलवार को शुभारंभ किया। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 4 दिन चलेगा। 4 दिवसीय सेमिनार में कुल 70 सेशंस में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के वक्ता अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी के अनुभवों पर आधारित एक किताब का विमोचन भी किया। ये छठा आपदा प्रबंधन पर सबसे बड़े सम्मेलन में से एक है। कार्यक्रम के उद्घाटन में सीएम धामी के साथ एडमिरल डीके जोशी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने छठे WCDM के प्रमुख उद्देश्यों पर बोलते हुए कहा, आपदा प्रबंधन पर छठे विश्व कांग्रेस का उद्देश्य हिमालय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और आपदा की चुनौतियों पर चर्चा करना और उनका हल करना है। उन्होंने कहा, भविष्य में उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल के रूप में विकसित करने की क्षमता है। ये आयोजन 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए बेहद खासा होगा और देश विदेश में इससे उत्तराखंड की अच्छी छवि बनेगी। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व में तैयारी कर ली जाए। पहले से जो हम तैयारी कर लें तो इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है उसको कम जरूर किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे समय में तमाम प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं वो सबकी एकीकृत होनी चाहिए। एक सी प्रतिक्रिया होने से नुकसान और जनहानि दोनों को ही न्यून किया जा सकता है, दोनों को ही कम किया जा सकता है। और देवभूमि में आने वाली आपदाओं से सबक लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने राज्य में चिकित्सा सुविधाएं हैं, सशक्त संचार व्यवस्था है, ऑल वेदर रोड हैं, हेलीपोर्ट्स के निर्माण हैं, शहरी नियोजन जैसे अनेकों कार्यों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। सीएम धामी ने G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड को G20 सम्मेलन के 3 सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिला था और इसके जरिए हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमानों के सामने उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से पहले ही हम 2 लाख करोड़ का करार कर चुके हैं और जब ये सम्मेलन संपन्न होगा तब तक हम और आगे बढ़ चुके होंगे। इकोलॉजी और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर कोऑर्डिनेशन से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रबंध तंत्र हम विकसित कर सकते हैं, एक ऐसा तंत्र बना सकते हैं जो इन सब को समन्वय करे। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें पृथ्वी को माता के समान पूजा गया है और मैं समझता हूँ कि सही मायनों में इसी में आपदा प्रबंधन की मूल धारणा निहित है अगर हम ठीक से करेंगे तो। क्योंकि मेरा मानना है यदि हम पृथ्वी समेत सभी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग न करके उनका अगर उपयोग करेंगे तो सही अर्थों में प्राकृतिक संरक्षण में हम इसके संवर्धन में, इसके संरक्षण में, आपदा के न्यूनीकरण में
हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रंजीत कुमार सिन्हा ने आए हुए सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा। सीएम धामी के नेतृत्व में हम आपदा प्रबंधन पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, जिसका निष्कर्ष हमें बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। टुडे वी हैव कम टुगेदर फॉर द परसूट ऑफ ग्रेटर पर्पस एंड आई एम श्योर दैट द पर्पस विल बी सर्व सक्सेसफुली। आई विश ऑल ऑफ अस ए वेरी प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस विद एक्साइटिंग एंड एनकरेजिंग डिस्कशंस एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज सो दैट टुगेदर वी कैन अचीव द ग्रेटर पर्पस फॉर ह्यूमैनिटी टू कीप प्रोग्रेसिंग अनहिंडर्ड बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस दैट सूट ए पर्टिकुलर रीजन दैट इज लोकल अंडरस्टैंडिंग विद ग्लोबल अप्रोच। वही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने अपने संबोधन में कहा, आपदा के समय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले महिलाएं और बच्चे होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसके लिए ठोस समाधान निकालेंगे। महिलाओं और बच्चों पे आपदा, कोई भी आपदा आती है या क्लाइमेट चेंज होती है, तो उसका महिलाओं और बच्चों पे क्या प्रभाव होता है। तो मैं चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में आप इस पे भी कुछ विचार करेंगे और कुछ आपके रिकमेंडेशंस आएंगे, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है उस आपदा का या डिजास्टर का या क्लाइमेट चेंज के जो दुष्परिणाम है उनका। उत्तराखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी एसए संधू ने कहा कि हर वक्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजास्टर नहीं लाता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी होगी जो कि डिजास्टर को कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा हमें डेवलपमेंट को नेचुरल बैलेंस के साथ आगे बढ़ाना होगा। सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे ब्रिंग डिजास्टर। व्हेन यू विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयस नॉट ओनली इन उत्तराखंड और अदर हिल्स आल्सो इन अदर कंट्रीज वेयरएवर द प्रोजेक्ट्स आर sometimes landslides and other small or big disaster they do happen. All weather road projects started in Uttarakhand, there was some criticism because whenever you make a new road it's bound to invite some landslides, it's there, but with proper treatment, with proper mitigations over a period of time there are treatments available and we have been doing it and we are doing it and we will be successful. अंडमान एवं निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी ने कहा, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार दोनों डिजास्टर के मामले में काफी करीब हैं। अंडमान एंड निकोबार में सुनामी और स्टॉर्म आता है तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, अतिवृष्टि जैसे आपदा आती रहती है। हमारे पास बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम आ चुके हैं जो हमें डिजास्टर से पहले अलर्ट जारी कर देते हैं, डिजास्टर में होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम कर सकते हैं। Uttarakhand and Andaman and Nicobar Islands are geographical extremities of our very vast country, but both are frequently impacted by various disaster situations. Uttarakhand has had many tragic occurrences. The development of sustainable urban planning, resilient habitats and adaptable infrastructures is crucial from the planning perspective of an effective disaster management system. उद्घाटन समारोह के आखिर में ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कमल घनशाला ने सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ग्राफिक्स एरा के लिए गर्व की बात है। चार दिवसीय सम्मेलन हमारे आपदा प्रबंधन सिस्टम को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके निष्कर्ष से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सम्मेलन में 350 शोध पत्र पेश किए जाएंगे। सम्मेलन के समाप्त पर देहरादून में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसमें विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण विचारों, प्रतिक्रियाओं और सुझावों को जोड़ा जाएगा। इस सम्मेलन को उत्तराखंड को विश्व पटल पर स्थापित करने की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे भारत में आयोजित हुए प्री ग्रीवेंस एवं कॉन्फ्रेंस।